असलम आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड इन फोकस नाजरीन आज के इस एपिसोड में हम जो अपकमिंग अपमिंग यू एस प्रेजिडेंशल एलेक्शन हैं जो कल होने हैं आ, उन एलेक्शन के हवाले से आज के इस एपिसोड में बात करेंगे लास्ट टू जो एपिसोड थी उनके अंदर हमने यू एस प्रेजेंशियल एलेक्शन के इम्पैक्ट्स को देखा था पाकिस्तान के हवाले से और मिडल ईस्ट के हवाले से आज के इस एपिसोड में हम उन एक्शन को एनालाइज़ करने के बजाय उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे

हम ब्रॉडली देखेंगे यूएस का पोलिटिकल सिस्टम है क्या और उस सिस्टम के अंदर जो प्रेजिडेंट का रोल है वो क्या है ब्रॉडली एक शॉर्ट से भी देखेंगे सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द अमेरिकन प्रेजिडेंशियल एलेक्शन का जो डायनेमिक्स हैं जो कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे कि हाउ इज द यू एस प्रेजिडेंट गेट इलेक्टेड और उसका जो प्रोसेस है वो क्या है जो हम छः मेन स्टेप्स जो होते हैं प्रेजेंशियल एलेक्शन के उन तमाम स्टेप्स के ऊपर वन बाई वन आसान लफ्सों में उसको एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ऑल दो बट इस वीडियो का जो मकसद को आपके सामने रखना है, सब सब जो है, वो एक, सिस्टम है और प्रेजेंशियल सिस्टम के साथ साथ एक फेडरेशन भी है और यूनाइट स्टेट्स का जो प्रेजेंशियल सिस्टम है और फेडरेशन है दोनों का जो सोर्स है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अमेरिका

मेजर इंस्टीट्यूशन के गिर घूमता है जो कि एक्जेक्टिव यानी प्रेजिडेंसी है कैबिनेट है बेरोक्रेसी है उसके इंस्टीट्यूशन हैं सेकेंड लेजिलेचर विच इज़ कांग्रेस बाई कैमरल है बिकॉज यू एस इज अ फ़ेडरेशन लोअर हाउस इज हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव एंड अपर हाउस इज सेनेट एंड थर्ड इज द जुडिशरी द फेडरल जुडिशरी विच कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर फेडरल कोर्ट्स इन दुनाइट स्टेट्स तो ये जो तीन इंस्टीट्यूशन है नाजरीन एग्जेक्टिव जुडिश्री प्रेजिडेंट कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट ये तीनों के दरमियान में एक सेपरेशन ऑफ पार का कॉन्सेप्ट मौजूद है यूनाइट स्टेट में जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे सेपरेशन ऑफ आइडिया क्या है बट बिसाइड्स दैट दिस सिस्टम इज प्रडेंशियल सिस्टम एंड इन प्रेजिडेंशियल सिस्टम देर इज सेपरेशन ऑफ पार बिटवीन एग्जेक्टिव एंड जिस तरह फेडरेशन में फेडरल और प्रोविंस के दरमियान में फेडरल फेडरेशन और स्टेट्स के दरमियान में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है उसी तरीके से जो यू नो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर और जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके दरमियान में सेपरेशन ऑफ पावर होती है इट्स नॉट कंप्लीट बट लार्ज सेपरेशन ऑफ पावर्स तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस सेंस में जो प्रेजेंशियल एक्शन हैं उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जेक्टिव फील्ड के अंदर है बिकॉज द प्रेजिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्जेक्टिव अफेयर्स बट ऑबियसली जो कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं है देर आर चेक्स एंड बैलेंस इन यू एस देयर फोर ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कांग्रेस इन द अप कमिंग फोर ईयर्स आई बिसाइड दैट हाउ द जुडिशरी और ब्रॉडली यूनाइट स्टेट्स की जो डायरेक्शन है पोलिटिकल इकनॉमिक लीगल जो डायमेंशन है वो अगला प्रेजिडेंट जो है वो डिसाइड करता है या एटलीस्ट इन्फ्लुंस जरूर करता है यूनाइट स्टेट्स के अंदर तो विद इन दैट सिस्टम जिसके नाम बात करते हैं प्रेजिडेंट है ही इज नॉट द किंग ऑफ द स्टेट बट ही इज डेफिनेटली द किंग ऑफ द एग्जेटिव फील्ड ऑल्दो ही डज हैव सम चेक फ्राम एक्जेटिव एंड लेजिस्लेचर एग्जेटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी बट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जो है इज द चीफ एग्जेटिव इज हेड ऑफ स्टेट एज वेल और उसकी जो एग्जेक्टिव डोमेन है वो स्पैन करती है फ्रॉम डिप्लोमेटिक यू नो स्टेप्स टू इंटरनल एग्जेक्टिव पॉलिसीज़ फ़ॉरन पॉलिसी मिलिट्री पॉलिसीज़ और किसी तक जुडिशल और बाकी जो लजिस्लेटिव मामला हैं उस पर भी उसका जो एक डिफरेंट रोल है जिसपे हम अगेन बात नहीं करेंगे इस एपिसोड में बट नाजी अमेरिका में प्रेजेंट एलेक्ट कैसे होता है दैर्ट्स मेन क्वेश्चन जिस पर हमें आज की बात करनी है ऑब्वियसली अनलाइक अदर प्रेजेंट सिस्टम लाइक ईरान एंड टर्की इस तरीके से ब्राज़ील की बात की जा सकती है बहुत सारे प्रेजेंट सिस्टम जहाँ पे प्रेजेंट डायरेक्टली आवाम इलेक्ट करती है अमेरिका में ऐसा नहीं है एंड दिस वॉज द डिबेट जो कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, के वक्त भी हुई फोर फादर्स के दरम्या में आई वुड नॉट गो टू द डिफरेंट ऑप्शन दट दे डिसकस्ड अबाउट बट डेफिनेटली आउट ऑफ दो डिफरेंट ऑप्शन दे चोज टू गो थ्रू द इलेक्शन थ्रू एन इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोल कॉलेज तो इलेक्टोरल कॉलेज इज काइंड ऑफ स्टेप जिसके जरिए से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बजाय डायरेक्ट इलेक्शंस के आवाम के थ्रू करने के हैविंग सर दाजरन ये इलेक्ट्रिकल कॉलेज का इलेक्शन जो है वही कल होने जा रहा है बट क्या यह पहला स्टेप एट वर्ड प्रजेंट ऑबियसली नॉट इज इट द लास्ट स्टेप ऑबियसली नॉट तो छः डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रेजेंट के इलेक्शन के वन बाई वन हम उन तमाम स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहला स्टेप नाजरन जिसको हम कहते हैं चूंकि अमेरिका के अंदर जो लार्जर पार्टीज हैं दो लार्जेस्ट पार्टीज हैं डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स उन्हीं के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट really होते हैं बाकी पार्टीज़ इनसिग्निफिकेंट हैं ग्रीन पार्टी या बाकी पार्टीज़ इनसिग्निफिकेंट हैं उनके जो रोल है बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा है इस अब भी कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है उनके इलेक्शन में वाजे सीट्स लेने के तो ये जो इलेक्शन है जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की तरफ से कोई बंदा कल इलेक्ट होगा एज ए प्रेजिडेंट वो जब उनका इलेक्शन प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर पार्टी पहले खुद नॉमिनेट करती है अपने प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को कैंडिडेट को और फिर उन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का जो कैंडिडेट है वो फिर कंटेस्ट करते है जो हैं जो अपकमिंग इलेक्शन हैं तो सच वाले नाजी का स्टार्ट करें तो जो पहला स्टेप होता है स्टेप वन होता है वो हर पार्टी के अंदर के इलेक्शन हैं अपनी पार्टी खुद चूज करती है उनका नुमाइंदा क्या होगा और पार्टी के अंदर के दो मेन स्टेप्स होते हैं जो सबसे पहला स्टेप है जो कि नवंबर के चूंकि नवंबर के, के ट्यूजडे को इलेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल कॉलेज का इलेक्शन होता है इससे सिक्स टू नाइन मंथ्स बिफोर डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी एंड स्टेट एंड यू नो सर्कमस्टांसिस सिक्स टू नाइन मंथ्स बिफोर दी नवंबर वो इलेक्शन पार्टी के अंदर शुरू होते हैं और जो पहला स्टेप जैसे मैंने कहा दैट इज द इलेक्शन ऑफ द प्राइमरीज ना प्राइमरी का इलेक्शन भी कहते हैं और कुछ स्टेट्स में जो है इसे काकसेस भी कहते हैं बट मोस्टली द प्राइमरीज आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स इन प्राइमरीज में नाजी क्या होता है कि जो जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चूज़ करती हैं कि उनकी पार्टी का रिप्रजेंट जो डेलीगेट है जिसने आगे इलेक्ट्रोल कॉलेज का इलेक्शन लड़ना है वो डेलीगेट कौन होगा जिसने प्रजेंशियल नॉमिनी करनी है और फिर जाके जाकेलेक्ट्रोल कॉलेज के इलेक्टर्स को डिसाइड करना है ये सारे काम होते हैं प्राइमरीज़ के तो प्राइमरीज़ का जो स्टेप है वो स्टेप क्या फंक्शन होते हैं अब मैं वन बाई वन उनके ऊपर बात करूँगा बट नाजी यहाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जहाँ मोस्टली स्टेट में प्राइमरीज हैं वहाँ कुछ स्टेट में काश का कॉन्सेप्ट भी है तो मैं प्राइमरली प्राइमरीज को एक्सप्लेन करूँ बिकॉज दैट इज जनरली वॉट हैपन्स इन डिफरेंट स्टेट्स तो हर पार्टी का हर स्टेट के अंदर जो प्राइमरी होती है उसमें क्या होता है द प्राइमरी इज एक्चुअली चूज देयर आर प्रेफर्ड कैंडिडेट एनोनीमसली और कास्टिंग सीक्रेट बैलेट्स ये जो स्टेट्स हैं जहां पे ये प्राइमरीज हो रही होती हैं प्राइमरीज टेकिंग प्लेस वहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर टेकन इन टू अकाउंट वायल्ड अवॉर्डिंग डेलीगेट फॉर द नेशनल कन्वेंशन ऑन द साइड ऑफ सपोर्ट ऑफ द विनिंग कैंडिडेट सो आसान उसमें नाजीन पहला स्टेप जो है पार्टी के अंदर इलेक्शन हैं पार्टी के अंदर स्टेट लेवल पे प्राइमरीज़ के अंदर जो आ, पार्टी होती है वो नॉमिनेट करती है कि किस कैंडिडेट के यानी विद इन डेमोक्रेसी में अगर बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कमा हारिस थी और उनके मुकाबले में जो बाइडन भी रहे शुरू में आ, उसके बाद मैं बात, बात कर रिपब्लिकन की बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके मुकाबले में हम देखा कि डिफरेंट कैंडिडेट्स रहे हैं इंक्लूडिंग निकी हेले जो थी रिपब्लिकन पार्टी की वो भी कैंडिडेट थी तो हर स्टेट में इन कैंडिडेट्स के दरम्या कंटेस्टेशन होगी और हर स्टेट में से उस पार्टी के जो मेम्बर्स हैं जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे उसी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में उसके वोट की बुनियाद पे जो नेशनल लेवल पे सेकंड स्टेप में जाएंगे वहाँ जो डेलीगेट जाता है वो इस बुनियाद पे जाता है आसानों समय जिस कैंडिडेट को ज्यादा प्राइमरी के वोट मिलेंगे उसकी नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेशन की तादाद भी ज़्यादा होगी और उसके उस पार्टी का नुमाइंदे की हैसियत से प्रेजेंट इलेक्शन लड़ने के चांसेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे सो so, प्रायमरी कलेक्शन या जिनको काक्सेस कहते हैं इलेक्शन के बाद सेकंड स्टेज इज़ द नेशनल कन्वेंशन नाउदाजी नेशनल कन्वेंशन जो हर पार्टी का होता है दोनों पार्टीज का होता है दैट इज हेल्ड ऑलमोस्ट इन अगस्त में यानी नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो तीन महीने पहले ऑलमोस्ट आप जो है अगस्त के अंदर वह दोनों पार्टीज के होते हैं नेशनल कन्वेंशन उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर जैसे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन है या जीओपी का कन्वेंशन है इन पार्टीज़ के जो कन्वेंशन जब अगस्त में होते हैं तो तमाम स्टेट से जो डेलीगेट्स आते हैं जो ऑलरेडी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और वोटिंग के जरिए से अपनी पार्टी के अंदर प्रेफर्ड कैंडिडेट को चूज़ कर चुके होते हैं वो आके इस नेशनल कन्वेंशन में वोट डालते हैं इस नेशनल कन्वेंशन के अंदर तो जो वोट डलता है ये मोर और लेस ऑफ फॉर्मेलिटी होता है बिका जब हर स्टेट में प्राइमरीज हो रहे होते हैं तो क्लियरली आइडिया हो जाता है कि, कि किस पार्टी के पास किस कैंडिडेट के पास एक पार्टी के अंदर डेलीगेट की सपोर्ट ज़्यादा है तो शुरू में आइडिया हो गया था कि ट्रंप जो है उसके मुकाले में जो निकी हैले हैं उनकी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज ट्रंप को डिफरेंट स्टेट्स के जो प्राइमरी डेलीगेट्स चूज़ हो रहे थे वो ट्रंप के फेवरेबल ज़्यादा थे निकी हैले के कम थे और अल्टीमेटली जब अगस्त में कन्वेंशन हुआ रिपब्लिकन का तो पता था कि जो निकी हैले हैं उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं मिलेगा वो नॉट नॉमिनेट नहीं होगी बिकॉज डेलीगेट की जितनी रिक्वायर्ड नंबर है जितनी सपोर्ट चाहिए उनको थी नहीं ट्रंप हैड मोर डेलीगेटेड डेलीगेट सपोर्ट निकी हेले हैड तो ऑब्वियसली जब ये नेशनल कन्वेंशन होता है तो इसके अंदर पता चल लो का होता है कि कौन सा कैंडिडेट एक पार्टी का प्रेजेंशल कैंडिडेट होगा सिर्फ उस कन्वेंशन के अंदर ऑफिशियली फॉर्मली रबर स्टेप के तौर पर उस कैंडिडेट को ऑफर की जाती है कि वी दिस वी द पार्टी नॉमिनेट यू फ्रॉम अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप हमारे बिहार पे इलेक्शन लड़ें और वो जो प्रेजिडेंट है वो उसे एक्सेप्ट करता है जो कैंडिडेट है वो एक्सेप्ट करता है इस जो नेशनल कन्वेंशन होता है उसके अंदर जाके सो इट्स नॉट दैट कैंडिडेट इज बाई डिफॉल्ट कंसर्ड टू बी नॉमिनी उसे एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है पब्लिकली एक्सप्रेस देनी पड़ती है डेलीगेट्स के सामने एक्सप्रेस देनी पड़ती है ओके फाइन आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ आई एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड आई विल कंटेस्ट एक्शन सो एक फॉर्मल एक कन्वेंशन है जो इस तरीके से होता है हर यू नो you know, पार्टी के अंदर नेशनल लेवल पर तो दो नेशनल कन्वेंशन हुए डेमोक्रेट्स का रिपब्लिकस का और ट्रंप और जो कमला हारिस हैं उन दोनों की नॉमिनेशन इन्हीं यू you नो know, कन्वेंशन की सूरत में हुई थी अब नाजीन थर्ड स्टेप पर आते हैं द थर्ड स्टेप अब चूंकि कैंडिडेट बन गया अगर डिसाइड हो गया कि डेमोक्रेट का कौन होगा का कौन होगा तो वो जो कैंडिडेट हैं फिर वो कंपेन करेंगे पूरे मुल्क के अंदर जाके बिकॉज वो अब यूनिफाइंग फोर्स हैं वो यूनिफाइंग काइंड ऑफ नॉमिनी है हर पार्टी का तो पूरे मुल्क के अंदर वो कंपेन चलाते हैं और अल्टीमेटली कंपेन चला चलाने के साथ साथ फिर वो जब नवंबर के ट्यूजडे को इलेक्शन होते हैं द फर्स्ट ट्यूजडे को उस इलेक्शन के अंदर जो कल होने हैं उन इलेक्शंस के अंदर जो लोग हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज को अलेक्ट करते हैं आप कैंडिडेट को नहीं बढ़ा रहे ट्रंप को नहीं डाल रहे जिकाल हाउस को नहीं डाल रहे बल्कि इलेक्ट्रल कॉलेज को डाल रहे हैं इलेक्ट्रल कॉलेज क्या अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो एक खास स्पेशली यू नो काइंड ऑफ इलेक्टेड एक डिस्पोजबल किस्म का हाउस है जो इलेक्ट करता है प्रेजिडेंट को इन ईच लीप ईयर्स ट्यूजडे ऑफ नवम्बर और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर्स को इलेक्टर्स कहा जाता है उनकी इलेक्टर्स की जो तादाद है टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में उनकी तादाद होती है करंटली 538 इसका फार्मूला ये नाजी आसान लफ्स में कि जितने कांग्रेस के मेंबर्स होंगे यानी लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जिसके करंटली 435 थर्टी फाइव हैं सनट जिसके हंड्रेड हैं उन्हीं की तादाद के इक्वल ये इलेक्टर्स की तादाद होती है और प्लस तीन एक्स्ट्रा इलेक्टर्स एक्ष्ट होते हैं फ्राम डी सी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से तो वो इलेक्टोरल जो जो इलेक्टर्स हैं तादाद फाइव है थर्टी एट वाले उनका इलेक्शन कल होगा उन इलेक्टर्स जो कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शंस को उनकी पार्टी एफिलिएशन नोन होती है डेमोक्रेट्स की भी और रिपब्लिकन की और क्या होता है कि जब लोग वोट इलेक्टर को डालते हैं तो उनको पता होता है कि ये डेमोक्रेट का इलेक्टर है या रिपब्लिकन का इलेक्टर है अगर डेमोक्रेट का है तो उनको पता है कि डेमोक्रेट पार्टी अपना नाम ही नहीं दे चुकी है कमला हारिस को सो बाय इलेक्टिंग एंड गिविंग वोट टू दैट इलेक्टर इट इज़ क्लियरली द चॉइस ऑफ द कमला हारिस इसी तरीके से अगर रिपब्लिकन वोट डाल रहा होगा रिपब्लिकन किसी इलेक्टर को तो उसको पता होगा कि उस बंदे ने आगे वोट डालना है डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए अमेरिका में सिस्टम को कहते हैं इट्स नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शंस बट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द डायरेक्ट चॉइस ऑफ द पीपल बिकॉज बाय इलेक्टिंग द इलेक्टर वो ऑलरेडी पता होता है कि वो इलेक्टर का आगे कैंडिडेट कौन है किसके बिहाफ पे वो वोट मांग रहा है और वो अगस्त में डिसाइड हो चुका होता है सो फाइव लोगों के इलेक्टर्स के वोट होंगे कल इलेक्ट्रल कॉलेज के उस इलेक्शन का मेथड क्या होता है ऑब्वियसली इसमें उस इलेक्टर्स की तादाद हर स्टेट के जितने टोटल कांग्रेस कांग्रेसमैन हैं और चूंकि हर स्टेट से दो सेंटर्स होते हैं कांग्रेस जो लोअर हाउस के मेबर्स हैं उनकी तादाद तेरी करती है उतनी ही तादाद के बराबर जैसे कैलिफोर्निया है फिफ्टी थ्री लोअर हाउस के मेम्बर्स हैं टू अपर हाउस तो के मेबर्स हैं तो फिफ्टी इलेक्टर्स इलेक्टोरल वोट्स होंगे कैलिफोर्निया के मेन के तीन होंगे नबरास्का के भी शायद तीन होंगे बट डिफेंट स्टेट के जितने कांग्रेस के मेबर्स हैं उतनी तादाद के बराबर ही इलेक्टर्स होते हैं लेकिन प्रिंसिपल यह है कि इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं होता इंडिविजुअल इलेक्शन तो होता है बट फॉर एग्जांपल अगर किसी एक स्टेट में एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टर्स एक खास डेमोक्रेटिक पार्टी से थे तो उस स्टेट में से खाली मेजॉरिटी इलेक्टर्स आगे नहीं जाएंगे उस पार्टी से बल्कि उस स्टेट के तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रोल वोट्स हैं वो उस पार्टी को चले जाएंगे तो फॉर एक्जाम्पल फिफ्टी फाइव मेम्बर्स हैं फिफ्टी फाइव इलेक्टर्स हैं कैलिफोर्निया से जब वो वोट डलेगा तो फिफ्टी फाइव में से फर्ज करें थर्टी वोट जो मिले हैं इलेक्ट्रोल के वोट मिले हैं वो ट्रंप की रिपब्लिकन को मिले हैं तो वो थर्टी इलेक्ट्रोल वोटिंग कराएंगे वो फिफ्टी फाइव के फिफ्टी फाइव इलेक्ट्रोल को इसको अमेरिका में कहते हैं विनर टेक्स ऑल ये प्रिंसिपल नाजरीन हर स्टेट पे अप्लाई नहीं होता दिस इज अप्लाइड इन 48 एट ऑफ यूएस दो स्टेट ऐसी जहां पे विनर टेक्स ऑल का प्रिंसिपल नहीं है वन इज मेन एंड अदर इज नैमराज का वहां पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूल्स है सो so, कल जब वोट होंगे हर स्टेट में से इलेक्टर्स की रात देखनी हो तो आसानी से आप गूगल में जाएं उस स्टेट के सेंटर तो दो डेफिनेटली होंगे लोअर हाउस के कितने मेंबर्स होंगे टोटल काउंट करेंगे उतनी उस स्टेट में से आएंगे प्लस तीन इलेक्ट्रल कॉलेज एक्स्ट्रा के मेम्बर्स होते हैं जो कि डीसी से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से आते हैं वंस द इलेक्ट्रल कॉलेज इज इलेक्टेड तो विनर टेक साल पर पता चल जाता है कि किस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं तो उससे अंदाजा हो जाता है फर्स्ट करें अब फाइव थर्टी एट हैं तो उसमें से एपसो मेजार्टी चाहिए टू सेवेंटी वोट चाहिए टू गेट द प्रेजेंट प्रेज इलेक्शन प्रेजिडेंट की विनिंग के लिए तो फर्ज करें रिपब्लिकन के जो टिकट uh, होल्डर्स हैं इलेक्टर्स हैं उनके तवाद अगर फॉर एग्जाम्पल टू एटी होती है तो पता चल जाता है कि टू एटी का मतलब है कि ट्रम्प विल बी द इन फ्यूचर प्रेजिडेंट वो ऑफिशियली नॉमिनेट नहीं हो जाता बट इलेक्ट्रल कॉलेज के इलेक्शन से अंदाजा हो जाता है कि इस पार्टी को जो है वो मेजारिटी मिली बट वंस इलेक्ट्रल कॉलेज इज हेल्ड फिर अगला स्टेप ये होता है नाजी फोर्थ स्टेप ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रोल कॉलेज के मेबर्स हैं वो फिर प्रेजिडेंट के लिए वोट है. डालते हैं और वोट कब डालते हैं दैट देट इन दिसंबर तो ये इलेक्ट्रल कॉलेज दिसंबर में इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर रिपब्लिकन के कैंडिडेट ट्रंप को या डेमोक्रेट के कैंडिडेट जो जो बाइड जो जो कमला हारिस हैं उनके लिए वोट डालेंगे क्या नाजिन यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन भी है कि क्या जो पार्टी का इलेक्टर था जिस पार्टी के नाम पे उसे इलेक्ट किया गया क्या वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालेगा जैसे रिपब्लिकन का इलेक्टर है नवंबर में वो इलेक्ट हो रहा है क्या दिसंबर में जाके ट्रंप को ही वोट डालेगा इसी लीगली बाउंड तो अमेरिका में मोस्टली स्टेट में तो लॉज हैं दैट ही कैन नॉट चेंज हिज पार्टी ऑफ रिलेशन वो इलेक्ट्रल कॉलेज का है तो उसी पार्टी को ही वोट डाल सकता है अभी तक अमेरिका में शायद ये केस नहीं हो अगर नहीं डालता तो लीगल क्वेश्चन अभी नहीं उठा जैसे पाकिस्तान में अगर डिसेंटिंग वोट होगा जो जो तो वो कहाँ जाएगा ये एक यू नो काइंड ऑफ पाकिस्तान में भी एक इशू रहा है पाकिस्तान में तो अमरीका में उसी पार्टी को डालेगा लेकिन तमाम स्टेट में नहीं मोस्टली स्टेट में ये लॉ है कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्टर इज़ फ्री टू मेक इज ओन चॉइस वो इलेक्ट होकर डेमोक्रेट को वोट डाल सकता है डेमोक्रेट को इलेक्ट होकर वोट डाल सकता है या नहीं भी डाल सकता तो मोटी स्टेट में वो इसी पार्टी को वोट डालते हैं दैट्स द लॉ इन मोस्ट ऑफ द यूएस स्टेट्स अब नजर वो जो दिसंबर वाला मामला है वो भी यूजली अब नॉमिनली होता है बिकॉज यूजली इलेक्ट्रिकल कॉलेज का जो इलेक्शन होना है जैसे कल होना है तो आइडिया हो जाता है कि उस दिन जो है वो किसको वोट मिलेंगे अमेरिका में नाजीन प्रिंसिपल ये है कि अगर उस दिन किसी को जाटी ना मिले दिसंबर वाले दिन uh, किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को भी और दूसरे को भी टू 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 सिक्स नाइन टून यू नो इक्वल हो जाएं या किसी भी में इक्वल हो जाएं या किसी को टू सेवेंटी ना मिले तो उस सूरत में फिर प्रेजिडेंट विल इलेक्टेड बाई दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस प्रेजिडेंट शल भीलेक्टेड बाई द दैनट तो प्रेजिडेंट लोअर हाउस इलेक्ट करेगा और सेनेट जो है वो वाइस uh, प्रेजेंट को इलेक्ट करेगा हाउ एवर इस सारे प्रोसेस के बाद जो लास्ट स्टेप होता है नाजरीन दैट इज द ओथ टेकिंग वंस दिसंबर में प्रेसिडेंट का डिसीजन हो जाता है तो न्यू प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन दिसंबर इन जनवरी 2025 में लेंगे तो लीप ईयर का जो अगला सवाल आता है नेक्स्ट ईयर उसके 20 जनवरी को न्यू प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ तो नाजीन ये प्रोसेस जो फार्मल प्रोसेस है वो तकरीब तो एक साल लेता है अर्ली पीरियड ऑफ द लीप य से लेकर जनवरी नेक्स्ट ईयर तक जो है वो इलेक्शन प्रोसेस चलता है बट अगर मैं कंपेन की बात करूँ तो अब इस इलेक्ट्रल मोड जो शुरू हो जाता है अमरीका में वो ऑलमोस्ट दो साल पहले ही शुरू हो जाता है बिसाइड दैट नाजीन हम पहले भी एपिसोड में बात कर चुके हैं कि ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ प्रेजेंट का इलेक्शन नहीं है यू मस्ट ऑलसो फॉलो दी होल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो किस तरह से इलेक्ट हो रहा है उसमें कौन सी पार्टी जीत रही है सेनेट की वन थर्ड सीट है उसमें कौन जीत रहा है और स्टेट में गवर्नर्स किस तरह से आ रहे हैं नाजी क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है देर इज ऑफ पार्ट प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट बट अगर हाउस और सैनट में उस पार्टी की मेजॉरिटी ना हो जिससे प्रेसिडेंट बिलोंग करता है तो उस प्रेजिडेंट की वर्किंग मुश्किल भी हो सकती है एंड दिस इज द डायलम दिपब्लन माई फेसबलिटी द लोअर हाउस इट इज बिलीव दट दे विल गेट मेजॉरिटी सेनेट एज वेल दैट विल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट जो अक्सर इग्नोर किया जाता है बाई बोथ मेनी एनालिस्ट बट वो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट के लिए भी बिकॉज उसका फ्यूचर भी डिपेंड करेगा कि कांग्रेस में किसकी मेजॉरिटी है दैट वुड वल्सो बी ए फॉर सच फॉर फॉर द प्रेजेंशियल कैंडिडेट थैंक यू सो मच नाजिंग फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम काइंडली लाइक दिस वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब this channel अल्लाह हाफिज